नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं जीशान जावेद आपके साथ। पूर्व विधायक रामलखन शर्मा को दो अलग अलग धाराओं में हुई सजा। सिरमौर क्षेत्र के पूर्व विधायक रामलखन शर्मा को 6 नवंबर 2008 में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के एक मामले में धारा 353 एवं धारा 186 के तहत 1 साल की सजा, 1,000 जुर्माना, दूसरी धारा में 3 माह की सजा, ₹500 जुर्माना किया गया है। हम आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। 6 नवंबर को विधानसभा के चुनाव में नामांकन पर्चा दाखिल करते समय पूर्व विधायक रामलखन शर्मा ने विवाद की स्थिति निर्मित कर दी थी। उनका कहना था, मैं अपने 4 से ज़्यादा लोगों को भी लेकर जा सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक बार और जेल जाना पड़ेगा, जिसकी मुझे आदत भी है। इसी के चलते उस दौरान निर्वाचन आयोग ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके चलते न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय ने मुकदमा दर्ज कराया गया। 11 साल बाद इस मामले का फैसला आया, जिसमें पूर्व विधायक रामलखन को दो अलग अलग धाराओं में, धारा 353 में 1 साल की सजा, ₹1,000 जुर्माना, वहीं दूसरी धारा 186 के तहत 3 माह की सजा, ₹500 जुर्माना लगाया गया है। इस बारे में हमने ADPO मनोज त्रिपाठी से बात की। आइए आपको सुनाते हैं पूर्व विधायक के मामले में उन्होंने रीवा दर्शन को क्या कुछ बताया। मामला ये था कि 6/11/2008 को चुनाव के दौरान जो नामांकन भरा था, नामांकन भरने में क्या हुआ कि चुनाव आयोग का ये नियम था कि प्रत्याशी के साथ 4 लोग जा सकते हैं, उसके अलावा अधिक लोग नहीं जा सकते। जब रामलखन शर्मा उस समय सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के संबंध में आए थे, जब वो आए और उन्होंने 6 लोगों को लेकर के अंदर जाना चाहा, लेकिन जो वहाँ उपस्थित जो अधिकारी थे, उन्होंने जैसे नगर दंडाधिकारी थे और कई लोगों ने मना किया, तो उन्होंने कहा कि कौन रोकेगा, मैं जाऊँगा, और मैं जेल से आया हूँ और जेल गया था और फिर जेल चला जाऊँगा। न्यायालय ने इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया कि जनप्रतिनिधि होकर के और जो शासकीय लोक सेवक हैं उनको तरह तरह से धमकाया जा रहा है और किस तरह से जो है अपनी बात मनवाई जा रही है, इस पर न्यायालय ने गंभीरता से विचार किया और लगभग 13 साल बाद विचारण के दौरान धारा 353 भादवी के तहत जो है 1 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹1,000 जुर्माना, और धारा 186 भादवी में 3 माह का सश्रम कारावास और ₹500 का जुर्माना उनको दिया गया।